हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G8 पावरलाइट एंड्रॉइड वाइल्ड फ़ोन में आप जो है 24 आर फॉर्मेट सेटिंग को आप जो है इनेबल कैसे कर सकते हैं। और ये 24 आर फॉर्मेट सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए और आपको नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सिस्टम के पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम का, डेट एंड टाइम पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डेट एंड टाइम के इस पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है 24 आर फॉर्मेट का, ठीक है। तो ये ऑप्शन के सामने जो बटन दे रखा है ना, इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बटन आपका ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए आपको करना है क्या, ऊपर की साइड में जो ऑप्शन दे रखा है ना यूज लोकल डिफॉल्ट, इसके सामने वाले बटन को पहले ऑफ करना है, तो आपका नीचे ऑप्शन ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो है ना ये 24 आर फॉर्मेट के ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है तो आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी ऑन हो जाएगी, ठीक है। अभी सेटिंग जो है ना 24 आर फॉर्मेट की सेटिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरे मोबाइल फोन की घड़ी में टाइम देख रहे हैं, ये दोपहर में, दोपहर का ये जो है 11:15 हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये 12 बजे के बाद आपका जो है ना, 12 बजे के बाद जो आपका 1 बजे का, वो आपको 1 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, दोपहर के 12 बजे के बाद 1 लिखा हुआ नहीं देगा, आपको 13 लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर इसके बाद दोपहर में जब 2 बजेंगे ना, 12 बजे के बाद 2 बजेंगे, ठीक है, तो आपका 14 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो 12 बजे के बाद से आपको जो टाइम है आपके फ़ोन में वो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके शो होगा, ठीक है। ये सेटिंग इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी, आपका जो मोबाइल फ़ोन का जो टाइम होता है ना, वो 24 आर फॉर्मेट में आपका सेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे को जो है हमारा टाइम फॉर्मेट 24 घंटे में पूरा दिखाई देता है, ठीक है, एक दिन का, क्योंकि हमारे दिन भर में 24 घंटे का टाइम होता है एक दिन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेटिंग जो है काम करती है आपके मोटो G8 पावरलाइट एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, ठीक है। इस सेटिंग को इनेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन में।